गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल बेटा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लॉक का, कुछ बेसिक डिस्कस किया था। तो अभी बेटा और कुछ और बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा बेटा मैंने, पोजीशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। अब कल आपको बताया था कि क्या पोजीशन हो सकती है। तो बेटा इसमें फर्स्ट टाइप करेंगे बेटा, बोथ हैंड्स आर कोइंसाइड और इसको क्या कह सकते हैं बेटा, ओवरलैप्ड टू ईच अदर। ठीक है बेटा, ये हमारे पे फर्स्ट टाइप है। सो ओवरलैप का मीन क्या होगा बेटा, बोथ हैंड जो क्या होगा बेटा, ये आवर हैंड है और जो बेटा मिनट हैंड है, दोनों हैंड क्या होंगे बेटा एक ही पोजीशन पे। ये मिनट हैंड और आवर हैंड की जो पोजीशन होगी बेटा एक ही पोजीशन होगी। तो कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री का एंगल। तो इसको कहते बेटा कोइंसाइड टू ईच अदर। सो इसमें एक पॉइंट आता बेटा, इन एवरी आवर या इन ईच आवर भी कह सकते हैं, इन ईच आवर बोथ हैंड्स कोइंसाइड ईच अदर वन टाइम। एक आवर में बेटा एक बार होगी। मीन्स जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लॉक सिंपल सा आपको बताया 3, 6, 9। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे देखो, 12 से 1 के बीच में क्या होगा बेटा, वन टाइम होगा। 1 से 2 के बीच में भी बेटा वन टाइम, 2 से 3 के बीच में भी वन टाइम। तो ऐसे होते होते बेटा क्या होगा बेटा, इन 12 आवर्स बोथ हैंड्स आर कोइंसाइड इन 11 टाइम्स एंड इन 24 आवर्स बोथ हैंड्स आर कोइंसाइड ईच अदर 22 टाइम्स। बेटा कौन सा ऐसा टाइम है जिस पे कोइंसाइड नहीं हो रही। मैंने यहाँ पे अभी एक पॉइंट कहा था कि एक आवर में एक बार कोइंसाइड होगी, तो 12 आवर में कितने टाइम होना चाहिए था बेटा, 12 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 11 है। तो कौन सा ऐसे आवर है जिसपे नहीं होगी बेटा, 12 और 1 के बीच में, इन बिटवीन बेटा 12 o'clock and 1 o'clock के बीच में क्या नहीं होगी, नॉट कोइंसाइड, इनके बीच में कोइंसाइड नहीं होगी बेटा। दोनों हैंड कब नहीं होंगे बेटा, 12 और 1 के बीच में कोइंसाइड नहीं होंगे। ठीक है बेटा, अब इसके बाद बेटा मैंने कल एक फॉर्मूला राइट किया था बेटा, एक रिक्वायर्ड टाइम उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। रिक्वायर्ड टाइम इक्वल क्या होगा बेटा, गेन इनटू 12 अपॉन 11, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं या इससे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। सेकंड फॉर्मूला एक और है बेटा, रिक्वायर्ड टाइम हो सकता है हमारे पास, कैसे निकालेंगे। सो उसको लिखेंगे बेटा, रिक्वायर्ड टाइम इक्वल 60 अपॉन 11 इंटू गिवन टाइम, जो टाइम हमारे पास गिवन होगा उससे भी निकाल सकते हैं। तो ये बेटा कोइंसाइड का फॉर्मूला था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से थे बेटा, ये वाले पॉइंट्स थे इम्पॉर्टेंट और ये फॉर्मूला। ठीक है बेटा, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं इसका कि कब कोइंसाइड होगा, किस टाइम पे कोइंसाइड हो सकती है क्लॉक आपस में, क्लॉक के हैं, तो वो कैलकुलेट करते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, इन बिटवीन थ्री ओ क्लॉक एंड फोर ओ क्लॉक बोथ हैंड्स आर कोइंसाइड टू इच अदर, कब होंगे बेटा। तो उसके लिए रिक्वायर्ड टाइम के लिए एक फॉर्मूला लिया था, रिक्वायर्ड टाइम टाइम इक्वल क्या होगा बेटा, गेन इनटू 12 अपॉन 11। तो गेन क्या होगा बेटा, 3 o'clock, 3 और 4 के बीच में बेटा, ये 3 है हमारे पास, ये 4 है, इन दोनों के बीच में बेटा कब कोइंसाइड होगी।
तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ तक का गेन कितने मिनट्स का हो गया बेटा, ये हो गया बेटा 15 मिनट्स गेन। कितने का गेन हो गया बेटा, 15 मिनट्स। तो क्या करेंगे, 15 इंटू 12 अपॉन 11। सो क्या हो जाएगा बेटा, 15 12 जब हो जाता है बेटा 180 अपॉन 11। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 16 4 अपॉन 11 मिनट। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 16 4 अपॉन 11। तो कौन सा टाइम ऐसा होगा बेटा, 3 16 4 अपॉन 11, ये वाला जो टाइम होगा बेटा, उस टाइम पे क्या होगा, बोथ हैंड आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कोइंसाइड हो जाएंगे। किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। ये तो था बेटा फर्स्ट फॉर्मूले से। अब सेकंड फॉर्मूले से भी काउंट करते हैं, ठीक है बेटा। सेकंड फॉर्मूले से, सेकंड फॉर्मूला था बेटा टाइम रिक्वायर्ड, टाइम इक्वल था बेटा 60 अपॉन 11 इंटू टाइम। सो बेटा टाइम हमारे पास क्या था यहाँ पे, 3। सो क्या लेंगे बेटा, 60 अपॉन 11 इंटू 3। सो ये भी आया बेटा 180 अपॉन 11। सो क्या हो जाएगा बेटा, 16 4 अपॉन 11 मिनट। ये हो गया, इससे भी सेम आया। अब हम करेंगे बेटा इसमें शॉर्टकट। कैसे शॉर्टकट करेंगे, अब शॉर्टकट करेंगे बेटा किससे करेंगे, शॉर्टकट से, शॉर्टकट फॉर्मूले से करेंगे बेटा। शॉर्टकट क्या कहता है बेटा, शॉर्टकट से क्या करेंगे, डायरेक्टली बेटा आपको एक फॉर्मेट याद रखना, टाइम मिनट मिनट अपॉन में बेटा 11, ये वाला फॉर्मेट याद रखना। तो बेटा टाइम क्या है, 3 और 4 के बीच में टाइम है बेटा 3, और 3 o'clock पे कितने मिनट्स हैं बेटा, 15 मिनट्स हैं। और यहाँ पे मिनट्स कितने बेटा हमारे पास, 15 अपॉन में 11 बेटा। तो देखो बेटा 15 11 से वन टाइम डिविजिबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16 4 अपॉन 11 आवर। तो ये था बेटा हमारे पास डायरेक्टली शॉर्टकट से। तो आपको बेटा ये वाला फॉर्मेट लर्न होना चाहिए, टाइम मिनट मिनट अपॉन 11 से। तो यहाँ पे जो मिनट थे बेटा कितने थे, 15 मिनट्स। अब आपके लिए बेटा एक एग्जांपल और करते हैं हम शॉर्टकट से। अब मैंने आपको बताया था बेटा 12 और 1 के बीच में कोइंसाइड नहीं होते बेटा, तो उसी को लेते हैं एग्जांपल में। यहाँ पे ले लेंगे बेटा 12 o'clock और यहाँ पे ले लेंगे बेटा 1 o'clock। 12 और 1 के बीच में बेटा कोइंसाइड नहीं होगी, तो क्या करेंगे बेटा, फॉर्मेट था हमारे पास टाइम मिनट मिनट अपॉन 11 बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा टाइम क्या है हमारे पास, यहाँ पे 12 है, मिनट कितने होते हैं बेटा 12 o'clock पे, वन राउंड कंप्लीट होगा तो कितने मिनट हो जाएंगे बेटा, 60 मिनट 60 अपॉन में 11। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 12 65 5 अपॉन 11 आवर, ये हमारे पास टाइम हो जाएगा बेटा। तो बेटा हमारे पास ये 65 मीन्स बेटा 1 आवर ऐड हो जाएगा, तो क्या जाएगा, 1 5 5 अपॉन 11 आवर आ गया बेटा। तो ये कौन सा टाइम आ गया बेटा, 1 और 2 के बीच में आ गया। कौन सा टाइम आ गया बेटा, इन बिटवीन 1 एंड 2, इन बिटवीन 1 एंड 2 o'clock के बीच का टाइम आ गया। तो इसमें पॉसिबल होगा बेटा, नहीं। तो क्या होगा, कौन सा ऐसा टाइम है जब बोथ एंड कोइंसाइड नहीं होते आपस में, 12 और 1 के बीच में बेटा दोनों आपस में क्या नहीं होते, कोइंसाइड नहीं होते। तो ये था बेटा किसका, कोइंसाइड टू ईच अदर का बेसिक्स। अब सेकंड करेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू पोजीशन, सेकंड करेंगे बोथ हैंड्स आर स्ट्रेट लाइन टू ईच अदर, स्ट्रेट लाइन टू ईच अदर और अपोजिट टू ईच अदर। जो सेकेंड वन है अपोजिट टू ईच अदर, सेकेंड वन है बेटा, बोथ हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर और स्ट्रेट लाइन टू ईच अदर, और स्ट्रेट लाइन टू ईच अदर ईच, ठीक है बेटा।
सो स्ट्रेट लाइन या अपोजिट ईच अदर मींस कितने डिग्री का एंगल होगा बेटा, 180 डिग्री का। कैसे बेटा, देखो बोथ एंड्स अपोजिट होंगे एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये आवर एंड है, तो जो मिनट एंड है बेटा ऐसे होगी, अपोजिट डायरेक्शन में ये मिनट एंड है, तो दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल हो गया बेटा, एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल होता है बेटा हमारे पास, 180 डिग्री का। सो ये क्या हो गया बेटा, अपोजिट टू ईच अदर और स्ट्रेट लाइन टू ईच अदर। सो ये कॉन्सेप्ट आ गया बेटा आपको समझ में। देखो बेटा, अगर बेटा हम आवर्स की बात करें, आवर्स की बात करें तो कितने आवर का गैप हो जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा बेटा 6 आवर का गैप। जो स्ट्रेट लाइन है बेटा उसमें कितने आवर का गैप हो जाएगा बेटा, अगर हम आवर की बात करें तो 6 आवर। फॉर एग्जांपल बेटा इसके और इसके बीच में देख लेते हैं, तो यहाँ पे कितने आवर का गैप आ गया बेटा, 6 आवर्स का गैप आ गया। और अगर हम बेटा मिनट्स में बात करते हैं तो मिनट्स में कितने का गैप होगा बेटा, 30 मिनट्स का गैप होगा। मिनट्स में कितने का गैप होगा बेटा, 30 मिनट्स का गैप होगा। सो अब हम डायरेक्टली इसको क्वेश्चन करेंगे, तो कैसे क्वेश्चन करते बेटा, सबसे पहले आप फॉर्मूला नोट कर लो बेटा। इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला बेटा, रिक्वायर्ड टाइम इक्वल क्या करेंगे बेटा, गेन प्लस माइनस 30। प्लस माइनस 30 क्यों किया बेटा, क्योंकि बेटा हमारे पास कब होती स्ट्रेट लाइन, आफ्टर 30 मिनट्स इनटू 12/11। एक फॉर्मूला था बेटा ये है। सेकेंड वन हम करेंगे बेटा, रिक्वायर्ड टाइम इक्वल 60/11 इनटू टाइम प्लस माइनस 6। बेटा ये आवर के अकॉर्डिंग हो गया प्लस माइनस 6। एंड थर्ड वन डायरेक्टली हम किससे करेंगे बेटा, शॉर्टकट से। तो शॉर्टकट बाद में करते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले इन बिटवीन, इन बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock, इसी के लिए फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। इन बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock, बोथ हैंड्स स्ट्रेट लाइन टू ईच अदर, बोथ हैंड्स स्ट्रेट लाइन टू ईच अदर। अब कब बेटा, कौन सा ऐसा टाइम होगा जिस टाइम पे दोनों हैंड्स क्या होंगे बेटा, अपने एक दूसरे से स्ट्रेट होंगे, तो कौन सा ऐसा टाइम होगा, तो निकालेंगे इसके लिए। देखो बेटा टाइम हमारे पास 3 o'clock है, तो गेन कितने तक का होता है बेटा, पहले फॉर्मूले से लेंगे तो गेन हो गया बेटा 15 मिनट्स का। रिक्वायर्ड टाइम इक्वल 15। अब बेटा 30 माइनस तो होगा नहीं, तो डायरेक्टली प्लस करेंगे, प्लस 30 इंटू 12/11, तो ये हो गया बेटा हमारे पास 45 इंटू 12/11। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे बेटा, सो कितना हो जाएगा बेटा, 540 अपॉन 11। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 49 1 अपॉन 11 मिनट। सो हमारे पास जो रिक्वायर्ड टाइम होगा बेटा कब होगा बेटा, 3 49 1 अपॉन 11 मिनट। जब ये टाइम होगा बेटा तब दोनों हैंड्स आपस में क्या होंगे, स्ट्रेट टू ईच अदर। ठीक है, ये तो था बेटा फर्स्ट फॉर्मूले से। अब सेकंड फॉर्मूले से कर ले बेटा, ये नोट कर लो आप लोग। अब सेकंड फॉर्मूले से करते बेटा, सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास, रिक्वायर्ड टाइम 60/11 इंटू टाइम प्लस माइनस 6। सो रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा बेटा 60/11 इंटू टाइम कितना बेटा हमारे पास, 3 o'clock, 3 प्लस 6 हो जाएगा बेटा, माइनस होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 60/11 इंटू 9, तो ये भी हो जाएगा बेटा 540/11। सो ये कितना आया बेटा हमारे पास, 49 1 अपॉन 11 मिनट। ये तो था बेटा सेकंड फॉर्मूले से। ठीक है बेटा, अब इसके लिए शॉर्टकट हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे क्या था, इन ईच आवर या इन एवरी आवर, एक पॉइंट और नोट कर लो बेटा, इन एवरी आवर बोथ हैंड्स स्ट्रेट लाइन टू ईच अदर,
लाइन टू ईच अदर ईच अदर इन वन टाइम ईच अदर वन टाइम. एक आवर में बेटा एक टाइम क्या होती, दोनों स्ट्रेट लाइन होती है आपस में. तो देखो बेटा इन 12 आवर्स, इन 12 आवर्स इसमें भी सिमिलर हो किसकी तरह होगा बेटा, कोइंसाइड की तरह होगा. 12 आवर्स में कितने टाइम बेटा, 11 टाइम्स. एंड इन 24 आवर्स, इन 24 आवर्स में कितने टाइम होगा बेटा, 22 टाइम्स, 22 टाइम्स. सो ये नोट कर लो बेटा दोनों चीज. अब यहाँ पे कौन सा ऐसा टाइम है बेटा जिस पे स्ट्रेट लाइन नहीं हो रही है. पॉइंट तो यही है कि एक आवर में एक बार स्ट्रेट लाइन होगी, बट 12 आवर्स में 11 टाइम. सो कौन सा ऐसा टाइम है बेटा, 6 और 7 के बीच में बेटा, कौन सा ऐसा टाइम है 6 ओ क्लॉक और 7 ओ क्लॉक के बीच में क्या नहीं होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी. किसके बीच में, 6 और 7 के बीच में बेटा स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी. सो ये यहाँ तक आ गया आपको समझ में, ठीक है. अब हम बेटा डायरेक्ट इसके लिए शॉर्टकट करते हैं. शॉर्टकट से कैसे करेंगे, बेटा फॉर्मेट अभी मैंने आपको एक फॉर्मेट राइट करवाया था बेटा, फॉर्मेट यही रहेगा. हमारे पास जो रिक्वायर्ड टाइम होगा वो कैसे लिखेंगे बेटा, फॉर्मेट यही रहेगा, टाइम मिनट, मिनट अपॉन 11, मिनट अपॉन 11. सो इसके लिए आपको एक चीज लर्न करनी पड़ेगी बेटा. सबसे पहले देखो बेटा ये 12 है, ये 6 हो गया, ये 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 and 11. अब यहाँ पे देखो बेटा आपको एक चीज लर्न ये ड्रॉ करना होगा. देखो बेटा 7 का अपोजिट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1, 7 का अपोजिट 1, 8 का अपोजिट हो जाएगा बेटा 2. देखो बेटा 6 का क्या हो जाएगा बेटा 12, ठीक है. 3 का 9 हो जाएगा बेटा, ऐसे ही देखो बेटा 4 का हो जाएगा बेटा 10 और 5 का हो जाएगा बेटा 11. सो ये याद रखना बेटा किसका अपोजिट कौन सा है, किसका अपोजिट कौन सा है. यहाँ पे लिख भी लेता हूँ आपको एक समझ आ जाएगा बेटा. 7 का अगर अपोजिट की बात करें तो क्या होगा बेटा 1, 6 के अपोजिट की बात करें तो क्या होगा बेटा 12 और 5 के अपोजिट की बात करें तो क्या होगा 11, 4 के अपोजिट की बात करें तो क्या होगा बेटा 10. इस तरीके से क्या होंगे आपस में क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के अपोजिट होंगे. ये आपको याद रखना बेटा, तभी आप शॉर्टकट से करोगे. ये किसके लिए यूज है बेटा, शॉर्टकट फॉर्मूले के लिए है, ये शॉर्टकट के लिए. अब डायरेक्टली हमने क्या गिवन था बेटा, क्वेश्चन था इन बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock एंड 4 o'clock बेटा, 3 o'clock और 4 o'clock के बीच में कब था. अब इसके लिए एक फॉर्मेट लिख लो बेटा, टाइम मिनट, मिनट अपॉन 11. सो टाइम होगा बेटा 3, मिनट कितने देखो बेटा 3 का अपोजिट लेंगे, यहाँ पे 3 का अपोजिट लेंगे बेटा, मिनट कितने हैं अपोजिट को लेंगे तो मिनट हो गए बेटा 45 अपॉन में 11. सो 4 टाइम डिविजिबल होगा बेटा 3, 49, 1 अपॉन 11 आवर. सो बेटा इससे भी सेम आया शॉर्टकट से. अगर आपको बेटा शॉर्टकट नहीं आया समझ में तो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. सो मैंने कहा था आपको बेटा 6 और 7 के बीच में दोनों कोइंसाइड वो अपोजिट नहीं होंगे बेटा. इन बिटवीन 6 ओ क्लॉक एंड 7 ओ क्लॉक बोथ हैंड्स आर नॉट स्ट्रेट लाइन टू ईच अदर. दोनों आपस में बेटा स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, अपोजिट नहीं होगी. कौन सा टाइम है बेटा इस ये वाला 6 और 7 का, तो देखो कैसे करेंगे. टाइम क्या है बेटा हमारे पास 6, देखो बेटा टाइम हो गया 6. अब 6 का अपोजिट क्या है यहाँ पे, देखो 6 का अपोजिट है बेटा 12, 6 का अपोजिट है यहाँ पे 12. सो मिनट हो जाएंगे बेटा हमारे पे 60 अपॉन 11. अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 65 5 अपॉन 11. तो बेटा ये कौन सा टाइम है, यहाँ पे एक आवर ज़्यादा हो गया तो 7 5 5 अपॉन 11 आवर आ गया. तो ये किसके बीच का टाइम आ गया बेटा, इन बिटवीन
7 o'clock and 8 o'clock के बीच का टाइम आ गया बेटा, तो इस टाइम पे पॉसिबल होगा नहीं, तो कौन सा टाइम ऐसा है 6 और 7 के बीच में बेटा, बोथ हैंड्स को इंसाइड, वो अपोजिट नहीं होती बेटा एक दूसरे से, एक दूसरे से क्या नहीं होती, अपोजिट नहीं होती बेटा 6 और 7 के बीच में, तो होप्सो आपको आ गया होगा। थर्ड टाइप करेंगे बेटा हम, बोथ हैंड्स आर राइट एंगल टू ईच अदर, बोथ हैंड्स आर राइट एंगल टू ईच अदर, थर्ड वन टाइप है बेटा बोथ हैंड्स आर, बोथ हैंड्स आर राइट एंगल टू ईच अदर, ईच अदर। अब बेटा राइट एंगल कब होगा, जब दोनों हैंड्स में कितने डिग्री का एंगल होगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ये हो गया बेटा हमारे पास, ये जैसे आवर एंड है और ये है बेटा मिनट एंड है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल हो गया बेटा, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। तो हम कह सकते हैं बोथ हैंड्स आर राइट एंगल्ड टू ईच अदर, बोथ हैंड्स आर राइट एंगल टू ईच अदर। अब इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो बेटा, रिक्वायर्ड टाइम इसके लिए हो जाएगा बेटा गेन प्लस माइनस 15 इंटू 12/11, रिक्वायर्ड टाइम इक्वल हो जाएगा बेटा 60/11 इंटू टाइम प्लस माइनस 3। अब बेटा शॉर्टकट हम बाद में करेंगे, तो अभी ये दो फॉर्मूले नोट कर लो ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर हम मिनट में बात करें, अगर मिनट में बात करें बेटा राइट एंगल की, तो कितने का गेन होगा बेटा 15 मिनट्स का, मिनट में बात करें तो मिनट में कितने का गेन होगा बेटा 15 मिनट्स का गेन होगा। और अगर हम आवर्स में बात करें बेटा, किस में बात करें, तो कितने का गैप होगा बेटा 3 आवर्स का, कितने का गैप होगा बेटा 3 आवर्स का। सो ये इनिशियल थिंग्स लर्न होनी चाहिए बेटा आपको। नेक्स्ट अब इसी एग्जांपल को फिर से करते बेटा, इन बिटवीन 3 o'clock and 4 o'clock, इन बिटवीन 3 o'clock and 4 o'clock both hands are right angle to each other, right angle to each other, ठीक है बेटा, both hands right angle होने चाहिए। तो क्या करेंगे बेटा, इसको कैलकुलेट करेंगे, required time था बेटा, अब गेन में एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो क्या होगा बेटा गेन कितने हमारे पास 15 मिनट, 15 प्लस 15 इंटू 12/11, सो ये हो गया बेटा 15 प्लस 15 30 इंटू 12/11, सो कितना आ गया बेटा 360/11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 32 8/11 मिनट बेटा। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 32 8/11 मिनट आ जाएगा। तो ये वाला जो टाइम होगा हमारे पास, उस टाइम पे 3 और 4 के बीच में क्या बनेगा बेटा, राइट एंगल बनेगा, क्या बनेगा बेटा राइट एंगल। अब दूसरे फॉर्मूले से करते बेटा, 60/11 इंटू टाइम क्या था बेटा हमारे पास 3 प्लस 3 हो गया बेटा 6, तो ये भी वही हो गया बेटा 360/11, अभी सॉल्व किया था इसको भी, तो 32 8/11 मिनट। सो इस फॉर्मूले से भी सेम टाइम आया बेटा, तो टाइम क्या होगा हमारे पास 3 32 8/11 जो टाइम होगा बेटा, इस टाइम पे बोथ हैंड्स क्या होंगे बेटा राइट एंगल टू ईच अदर, किसके बीच में 3 और 4 के बीच में बेटा राइट और राइट एंगल दूंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो ये सारी चीज़ें नोट होगी बेटा ठीक है।
अब इसमें बेटा एक कॉन्सेप्ट रह गया, वो क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है बेटा, अब यहां पे एक पॉइंट नोट कर लो बेटा, इन एवरी आवर बोथ हैंड्स राइट एंगल टू टाइम्स कितने बेटा? टू टाइम्स क्या होगा? इन ईच आवर, एक आवर में कितने टाइम राइट एंगल बनेगा बेटा? टू टाइम्स। अब याद रखना बेटा, अगर 90 डिग्री या 90 से कम का एंगल हो, यह क्या होगा बेटा? लेस देन 90 डिग्री। क्या हो जाना चाहिए बेटा? या तो 90 डिग्री हो या लेस देन 90 डिग्री हो, तो कितने टाइम एंगल बनेगा बेटा हमारे पास? टू टाइम्स बनता है बेटा। कितने टाइम्स बनता है बेटा? टू टाइम्स बनता है। कितने टाइम बनता है बेटा? टू टाइम्स। आया होगा आपको समझ में? ठीक है बेटा। सो सिमिलरली बेटा हम इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। शॉर्टकट, इस शॉर्टकट से कैसे करेंगे बेटा? शॉर्टकट बेटा, राइट एंगल होने के लिए कितने मिनट्स अभी बताए थे मैंने बेटा? 15 मिनट्स का गैप होना चाहिए। कितने का गैप होता है बेटा? दोनों हैंड्स के बीच में 15 मिनट का गैप होता है। तो शॉर्टकट भी यही करेंगे बेटा, टाइम मिनट मिनट अपॉन में 11 बेटा। सो देखो बेटा, 3 और 4 ये वाला फॉर्मेट याद होना चाहिए। अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे बेटा, इन बिटवीन 3 और 4 o'clock, किसके बीच में बेटा? 3 और 4 के बीच में राइट एंगल यूज कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा बेटा? 15 मिनट्स का गैप होना चाहिए। तो टाइम क्या है बेटा हमारे पास? 3। तो देखो बेटा, यहाँ तक तो ऑलरेडी 15 मिनट्स हैं, तो इसमें क्या करेंगे बेटा? 15 को ऐड कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा? 15 प्लस 15, ये हो गया बेटा 30 मिनट। और डायरेक्टली इसको भी यही लिख लेंगे, 30/11। सो 30 अपॉन 11 हो गया बेटा। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 32 8/11 ये आगे समझ में? सो सेम आया होगा। एक और क्वेश्चन करते बेटा शॉर्टकट से, इन बिटवीन 6 and 7 o'clock, बोथ हैंड्स आर राइट एंगल। कब होंगे बेटा? 6 और 7 के बीच में। तो इसके लिए भी वही फॉर्मेट लिखेंगे बेटा, टाइम मिनट मिनट अपॉन 11 बेटा। सो टाइम क्या हो जाएगा बेटा? 6। अब यहाँ पे देखो बेटा, मिनट कितने हैं? 30 मिनट है। तो 30 मिनट में बेटा प्लस 15 करेंगे तभी तो राइट एंगल बनेगा। तो मिनट हो जाएंगे यहाँ पे 45 अपॉन 11। सो क्या हो जाएगा बेटा? 6 45 क्या हो जाएगा बेटा? 49 1/11। एक तो ये टाइम होगा और एक टाइम क्या होगा बेटा? माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 6, यहाँ तक कितने मिनट है बेटा? 30। तो क्या लिखेंगे बेटा? 30 माइनस 15 इक्वल 15 15 अपॉन 11। सो ये हो जाएगा बेटा 6 16 4/11 आवर। बेटा जब ये दो टाइम हो रहे होंगे तो उस टाइम पे बोथ हैंड 6 और 7 के बीच में क्या हो जाएंगे बेटा? राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है बेटा। अब हमने अभी बेटा यहाँ पे एक लाइन पढ़ी थी, इन एवरी आवर बोथ हैंड्स राइट एंगल्ड टू टाइम्स। राइट एंगल बेटा टू टाइम्स हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए एक पॉइंट नोट करो बेटा, इन 12 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स राइट एंगल? 22 टाइम्स। एंड इन 24 आवर्स में कितने टाइम राइट एंगल होगा बेटा? 44 टाइम्स। कितने टाइम होगा बेटा? 44 टाइम्स क्या होगा? राइट एंगल हो जाएगा दोनों। कौन सा ऐसा टाइम है बेटा जिसके बीच में देखो बेटा एक बार बनेगा? एक टाइम है बेटा इन बिटवीन टू एंड थ्री ओ क्लॉक। एंड सेकेंड कौन सा टाइम होगा बेटा? इन बिटवीन 8 and 9 o'clock। इसके बीच में बेटा एक बार ही बनेगा। इसके बीच में जो राइट एंगल होगा बेटा वो कब बनेगा? वन टाइम।
राइट एंगल वन टाइम। क्यों बनेगा बेटा? दूसरा जो राइट एंगल है वो बेटा एग्जैक्ट 3 o'clock बनेगा, और इसमें जो दूसरा राइट एंगल है बेटा वो एग्जैक्ट 9 o'clock बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट एंगल बनेगा बेटा इन दोनों टाइम पे कितने टाइम बनेगा? एक टाइम बनेगा। तो इसीलिए 12 आवर्स में बेटा 22 टाइम्स एंड 24 आवर्स में बेटा 44 टाइम्स। सो होप सो बेटा आपको पोजिशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक समझ में आई होंगी, पोजिशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं बेटा वन मोर मिरर टाइम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? मिरर टाइम। नेक्स्ट करते हैं बेटा मिरर टाइम। मिरर टाइम बेटा बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मिरर इमेज आपको पता है बेटा, मिरर इमेज क्या होगी बेटा? जो वर्टिकल पोजीशन होती है बेटा वो सेम होती है। वर्टिकल पोजीशन क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी। और जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है बेटा उसमें क्या आएगा? चेंज आ जाएगा बेटा। जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उसमें क्या जाएगा? चेंज। तो इसको कहेंगे बेटा राइट, और ये होती बेटा हमारे पास लेफ्ट। अब जब इसकी मिरर इमेज करेंगे तो बेटा जो राइट साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? लेफ्ट। और जो लेफ्ट हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी? राइट साइड। और जो वर्टिकल पोजीशन है बेटा वो सेम रहेगी, तो यहाँ पे बेटा चेंज हो जाएगी। ये पहले राइट था, अब क्या हो जाएगा बेटा? लेफ्ट हो जाएगा। तो ये पहले का राइट है, और जो पहले लेफ्ट था बेटा वो अब क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा? राइट। और जो इसकी वर्टिकल पोजीशन है बेटा वो क्या हो जाएगी? सेम रहेगी। तो ये मिरर टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? अगर टाइम हमारे पास बेटा 12 o'clock के फॉर्मेट में, किसके फॉर्मेट में हो बेटा? 12 o'clock में पूछा है, तो क्या करेंगे बेटा? 1160 में से एक्चुअल टाइम को माइनस कर देंगे बेटा। 1160 में से क्या माइनस करेंगे बेटा? एक्चुअल टाइम को माइनस करेंगे, तो वो क्या होगा बेटा हमारे पास? मिरर टाइम। क्या होगा बेटा? मिरर टाइम। और अगर हम बात करें बेटा 24 o'clock की, 24 o'clock में अगर टाइम पूछा है तो क्या करेंगे बेटा? 2360 में से क्या माइनस कर लेंगे बेटा? एक्चुअल टाइम। सो वो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? मिरर टाइम। वो क्या आ जाएगा बेटा? मिरर टाइम। ठीक है बेटा। सो ये सिंपल सा ही था, फन कॉन्सेप्ट था बेटा सिंपल सा, किसके लिए? मिरर टाइम के लिए। अब एक कैलकुलेट भी कर लेते हैं बेटा। 3:30 का मिरर टाइम क्या होगा बेटा? 3:30 का जो मिरर टाइम है बेटा वो क्या होगा? 3:30 का मिरर टाइम, एक्चुअल टाइम हमारे पास 3:30 है, तो मिरर टाइम क्या होगा बेटा? 1160 माइनस 3:30, तो कितना टाइम आ जाएगा बेटा? 8:30 क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? मिरर टाइम। 8:30 क्या हो जाएगा बेटा? मिरर टाइम। ठीक है बेटा। अगर हमारे पास बेटा टाइम हमारे पास कैसे गिवन हो 23-24 आवर्स में, फॉर एग्जांपल बेटा ऐसे दिया होगा 15:40, जो 15:40 टाइम है बेटा इसका मिरर टाइम हमें कैलकुलेट करना, तो कैसे करेंगे बेटा? 2360 में से क्या माइनस कर लेंगे बेटा? 15:40। तो अगर इसको माइनस कर लेंगे तो ये हो गया 20 और ये हो जाएगा बेटा 8। तो हमारे पास जो मिरर टाइम आ गया बेटा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 8:20। जो मिरर टाइम होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? 8:20। सो यहाँ तक आया होगा आपको समझ में मिरर टाइम के लिए। तो एक टेबल भी नोट कर सकते हैं, और जैसे मैंने बेटा अपोजिट में लर्न करवाया था आपको, अपोजिट टू ईच अदर, वैसे भी लिख सकते हैं। तो देखो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो इसका अपोजिट भी बेटा, इसको फिर से आप मिरर टाइम ऐसे लिख लो, यहाँ पे लिख लो बेटा 11, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये हमारे पास एक्चुअल टाइम है, और उसका मिरर टाइम क्या हो जाएगा बेटा? ये एक्चुअल टाइम है, और ये टेबल ये हो जाएगा बेटा मिरर टाइम, ये हो जाएगा बेटा मेरा। ठीक है बेटा। सो ये सारा बेसिक है बेटा, ये सारा बेसिक आपको लर्न होना चाहिए बेटा।